यूपीएसटीएफ ने माफिया अतीत अहमद के बेटे असद अहमद को इनकाउंटर में मार गिराया है। असद अहमद उमेश पाल मर्डर केस में मोस्ट वांटेड था और हत्याकांड के बाद से फरार चल रहा था। असद अहमद अतीत अहमद का तीसरे नंबर का बेटा था। उसने इसी साल लखनऊ के एक नामी स्कूल से 12वीं की परीक्षा पास की थी। असद पढ़ाई में तेज था। रिपोर्ट के मुताबिक वह लॉ की पढ़ाई करना चाहता था और विदेश जाना चाहता था। हालांकि उसके आपराधिक इतिहास के चलते पासपोर्ट क्लियर नहीं हुआ और उसे विदेश जाने का सपना जो है पूरा नहीं हुआ था। असद अहमद गुस्सेल मिजाज का था। उसने अपने शिक्षकों को भी नहीं छोड़ा था। स्कूल में पढ़ाई के दौरान एक रस्साकसी प्रतियोगिता में अपने टीम की अगुवाई कर रहा था, लेकिन उसकी टीम हार गई और हार से असद अहमद इतना गुस्साया कि शिक्षकों की भी पिटाई कर दी थी। अतीत का ऐसा आतंक था कि इस मामले की थाने में भी कोई शिकायत तक नहीं हुई। पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ जो उन्होंने आज इतना बड़ा फैसला को अंजाम दिया। उन्होंने जो किया है बहुत अच्छा किया है। उन्होंने अपनी बेटी का सुहाग के कातिलों को सजा दिलाई। मैं उनका बार बार आभार व्यक्त करूंगी कि वो पिता समान सब है। उन्होंने जो किया बहुत अच्छा किया। क्या लगता है इंसाफ हो रहा है? इंसाफ तो हुआ ही है, लेकिन आगे भी रास्ता है। मैं मांग करूंगी कि इंसाफ आगे भी दे और जो पुलिस कर्मचारी हैं उन्होंने बहुत सहयोग किया। बड़ी प्रतिष्ठा के बाद बड़ी मशक्कत के बाद इस तरह का सुनने को मिला। आगे अभी क्या मांग है आप? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी पे सब कुछ छोड़ा है। वो जो कुछ भी करेंगे उचित करेंगे, अच्छा करेंगे। आप लोग एनकाउंटर की मांग कर रही थी, अब किनका एनकाउंटर आप देखना चाहती हैं? कौन लोग हैं जिनका और एनकाउंटर होना चाहिए? वो मैं प्रशासन पे छोड़ा है। प्रशासन मुझे न्याय दिला रही है। वो देर में ही चाहिए लेकिन देंगे नहीं। प्रशासन ही हमको न्याय दिला रहा है। अच्छा, अतीक के लड़के का एनकाउंटर हुआ जिसका इंतजार था आप लोगों का, अब लगता है कि उमेश पाल जी की आत्मा को शांति मिलेगी? देखिए, आत्मा की शांति तो मिल जाएगी ही। ईश्वर जिसने न्याय दिलाया है वो सबसे बड़ा है। उन्होंने जो कुछ भी किया है बहुत अच्छा किया है। अब मैं आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो पिता समान है सारे बच्चों के। उन्होंने न्याय अच्छी तरह से दिया। मैं धन्यवाद ही कह सकती हूँ।